देखिए खैर अबर तो वोट नहीं दिया जाएगा यहाँ से, रही बात आपकी पूरा इज्जत कर रहे हैं, स्वागत है और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं इस बात के लिए कि आज तक 18 वर्षों से ये सांसद महोदय रहे हैं ऐसे ऐसे पिछड़ा या कोयरी के गांव में कभी आना उचित नहीं समझे, इसे गुजरते हुए भी कभी रुकने के प्रयास नहीं किए, लेकिन आपको बुलाया गया तो चलिए हम लोग धन्य हो गए आपका दर्शन करके महाप्रभु जी, लेकिन वोट नहीं मिलेगा हम लोग की तरफ से सर। भैया टीका थोड़िए लिया, कोई से पूछिए के बीच के है ना, कोई भी वोट देने में तैयार ही नहीं है। अच्छा चला जाइए। अरे प्रति संगत इज्जत पूर्वक बात कर, कौन बड़ी बात कर रहे हैं, राय न लेने आए हैं आप, क्या बात है। लोकसभा चुनाव में जातिगत फैक्टर तो है ही, साथ ही साथ अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता उम्मीदवार से काम की उम्मीद करती है, जनता अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उम्मीदवार को वोट देती है। अब इस लोकसभा चुनाव में एक नई परंपरा देखने का मौका मिला है कि जगह बेजगह एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, उनके उम्मीदवार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जनता इनसे काम का हिसाब मांग रही है। एक सोशल मीडिया पर ताजा तरीन वीडियो प्रकाशित हो रहा है जिसमें लोकसभा प्रत्याशी काराकाट से लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के सामने लोग कहते हैं कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, क्षेत्र में आपका स्वागत है। ये वीडियो कहाँ का है, ये वीडियो किस क्षेत्र का है, किस जगह का है, इन सब बिंदुओं पर आइए हम अपने सहयोगी आशुतोष मिश्रा से जानते हैं कि आखिर क्या है मामला। आशुतोष जी बिल्कुल, देखिए कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रहा है जहां पर उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, कुछ सिटिंग सांसदों का या फिर जो लोग पहले थे बीच में नहीं है और अब फिर से मैदान में आए हैं, पार्टी बदल करके गठबंधन बदल कर चुकी, उन लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है क्योंकि भारी विरोध हो रहा है। ताजा जो वीडियो है वो उपेंद्र कुशवाहा के विरोध का है, काराकाट लोकसभा सीट से वो पिछली बार 2014 में एनडीए के उम्मीदवार थे, तब उन्होंने जीत हासिल की थी, कांति सिंह को उन्होंने हराया था, तब महाबली सिंह को 75,000 वोट ही मात्र आए थे 2014 में। आपको याद होगा कि जेडीयू आरजेडी और बीजेपी सबने अलग अलग चुनाव लड़ा था, आरएलएसपी तब साथ में हुआ करती थी उपेंद्र कुशवाहा को, कि 3,38,000 वोट आया था, 2,00,000+ कांति सिंह को और 75,000 के आसपास महाबली सिंह को। लेकिन 2019 में जेडीयू से गठबंधन हुआ बीजेपी का, तो महाबली सिंह वहां से उम्मीदवार हुए और महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा आए, लेकिन उनको शिकस्त झेलनी पड़ी करीब 85,000 वोटों से। तो इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा वहां पर 2014 से 2019 तक सांसद रहे हैं, लेकिन लोगों की ये शिकायत है कि इस जिस दौरान वो सांसद थे तब भी या सब सांसदी से हटे तब भी क्षेत्र में वो नहीं घूमे, क्षेत्र के लोगों के बीच में जिन्होंने वोट दिया उनके बीच में वो मौजूद नहीं रहे, खास तौर पर जिस कोयरी समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, उसी इलाके में ये विरोध हुआ है, ये खतरे की घंटी है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। जिस वीडियो में जो बंदा दिख रहा है बोलते हुए, दर्शकों ने देखा होगा शुरू में ही हमने चलाया वो वीडियो, उसमें साफ साफ वो कहता नजर आ रहा है कि वोट तो आपको नहीं देंगे लेकिन आपका आभार है और स्वागत है, और स्थानीय नेता हाथ जोड़कर उपेंद्र कुशवाहा से कह रहा है अब की वोट तो आपको नहीं देंगे महाराज लेकिन आपका स्वागत है, आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। वो बंदा जो स्थानीय नेता है सामने में बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि आज तक 18 वर्ष से जो सांसद महोदय रहे हैं ऐसे ऐसे पिछड़ा या कोयरी के गांव में आना उचित नहीं समझे, यहाँ तक कि इधर से गुजरते हुए कभी रुकने का भी प्रयास नहीं किए, लेकिन आपको बुलाया गया है तो चलिए हम लोग धन्य हो गए
आपका दर्शन करके महाप्रभु जी, लेकिन वोट आपको नहीं मिलेगा। जब वो स्थानीय नेता जो है बोल रहे थे, उसी वक्त भीड़ से किसी ने कहा कि आपने अकेले सबका ठेका थोड़ा ही ले लिया है। इस पर लोग, कुछ लोगों ने कहा कि ठेका तो नहीं लिया है, लेकिन कोई इनको वोट नहीं देगा। और खास बात है कि इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा चुपचाप सब सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, कुछ बुदबुदाया भी उन्होंने, और थोड़ी देर के बाद वहां से असहज होते हुए उठ करके चले गए। ये वीडियो में देखा जा सकता है किस तरीके से विरोध हो रहा है उनका, किस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज है। वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा की जो काराकाट सीट है, अब शुरू में तो कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार फिर से बाजी मार सकते हैं, लेकिन पवन सिंह के आने के बाद वैसे ही उनके लिए खतरे की घंटी हो गई है। और अब क्षेत्र में जिस तरीके से लोगों का विरोध हो रहा है, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसको देख करके कहा जा सकता है कि उनकी मुश्किलें वैसे ही बढ़ गई है। अब थोड़ा समीकरण के बारे में समझा जाए, किस तरीके से उनको किन किन चीजों से दो चार होना पड़ेगा और उससे उस डैमेज को कंट्रोल बिना किए उनके लिए मुश्किल है वहां से चुनाव जीतना। तो एक तो ये है कि वहां पर जो सामने में उम्मीदवार हैं वो भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं, राजा राम सिंह कुशवाहा है, CPIML के कैंडिडेट है, और तो उनसे उबरना पड़ेगा। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो महाबली सिंह चुनाव जीते थे, उनका टिकट कट गया था, उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने हराया था, तो उनका टिकट उपेंद्र कुशवाहा को मिला है, तो महाबली सिंह भी नाराज बताए जा रहे हैं अंदर खाने, तो वो भी भीतरघात कर सकते हैं। इसके अलावा काराकाट जो संसदीय सीट है वो रोहतास जिले के तहत ही आती है, तो सासाराम सीट से छेदी पासवान का भी टिकट कट गया है यानी रोहतास से, तो वो भी नाराज बताए जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। और क्षेत्र के दो बड़े NDA के नेता हैं जिनका प्रभाव है वहां पर, वो दोनों एक का तो टिकट कट गया, दोनों का टिकट कट गया तो नाराज चल रहे हैं, तो उससे भीतरघात तो होगी ही होगी, कम हो या ज्यादा हो या फिर बाद में डैमेज कंट्रोल कर पाते तो ठीक है। तीसरी तरफ पवन सिंह ने भी आकर के और टेंशन बढ़ा दी है उपेंद्र कुशवाहा की। बिरादरी की बात करें तो यहाँ पर कोरी, कुशवाहा, यादव और राजपूतों का वोट लगभग लगभग सबका 2-2 लाख के आसपास में है, और इन सारे मतों पर सिर्फ पहले ज्यादातर मतलब इंडिया गठबंधन और इसके बीच में बटने वाला था, लेकिन पवन सिंह भी बांटेंगे इसमें, कुशवाहा समाज पर एक छत्र इनका अधिकार था उपेंद्र कुशवाहा का, वो भी अब राजा राम सिंह कुशवाहा के आने से वो भी वोट बढ़ जाए, तो ऐसे में चुनौती बढ़ गई है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो ये कहना होगा कि शायद उन्होंने जो भी डैमेजेस हो रहे हैं, जो भी भीतरघात की बात सामने आ रही है, उस पर समय रहते काबू पा लिया, कंट्रोल कर लिया। अगर नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो फिर उनको वहां से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पाठक जी, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।